जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका SPR नेटवर्क यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज से हम निशुल्क क्लासें प्रारंभ कर रहे हैं राजस्थान पुलिस के लिए। हम निशुल्क क्लासें प्रारंभ कर रहे हैं, इसलिए आपसे एक विशेष निवेदन है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और क्लास को बिना स्किप किए अंत तक देखें, जिससे कि हर टॉपिक आपको समझ में आ जाए। आज अपन बात करते हैं टॉपिक की। पहली क्लास है राजस्थान के इतिहास के अंतर्गत। राजस्थान का इतिहास प्रारंभ होता है राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं से। उन्हीं सभ्यताओं के पाठ को हम पढ़ेंगे। आज पहली सभ्यता अपने को पढ़ने को मिलेगी कालीबंगा सभ्यता। कौन सी सभ्यता? कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। सबसे पहले देखो, सभ्यता की अगर कोई भी सभ्यता का प्रश्न आता है तो सभ्यता का प्रश्न आएगा उसकी विशेषता से। किसी भी सभ्यता को पढ़ना, उसके अंदर कुछ चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी। उसका खोजकर्ता कौन था, उसका उत्खननकर्ता कौन था, उसका कालक्रम क्या है और एक उसके साथ उसके अंदर मिली कुछ विशेष चीज़ें। कई चीज़ें तो कॉमन मिलेगी लेकिन कुछ प्रत्येक सभ्यता के अंदर कुछ कुछ चीज़ें ऐसी है जो विशेष मिलेगी। वो विशेष चीज़ें याद रखनी है, क्वेश्चन वहीं से पुटअप होगा। पहले बात करते हैं कालीबंगा की। कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ है, काली मतलब ब्लैक, कालीबंगा और बंगा का अर्थ है चूड़ियाँ। बंगा का अर्थ क्या है? चूड़ियाँ। कालीबंगा मतलब काले रंग की चूड़ियाँ। गुरु जी क्यों रखा ये नाम? ये नाम रखने के पीछे कारण ये है कि यहाँ पर सर्वप्रथम काले रंग की चूड़ियाँ मिली है और सर्वाधिक मिली है। काले रंग की चूड़ियाँ यहाँ पर सर्वाधिक मिली है। अब इसकी देखते हैं लोकेशन, यानी वर्तमान में ये कहाँ पर है। एक राजस्थान में नदी बहती है जिसका नाम है घग्गर नदी। कोई भी सभ्यता हो वो किसी ना किसी नदी घाटी के किनारे पर ही विकसित हुई है। घग्गर नदी राजस्थान में बहती है। घग्गर नदी इसी का नाम है नट नदी, इसी का नाम है सरस्वती नदी और इसी का नाम है द्वेशवती नदी, इसी का नाम है मृत नदी, बहुत सा नाम है इसके। घग्गर नदी ये राजस्थान में प्रवेश करती है, जिला लगता है हनुमानगढ़। कौन सा जिला लगता है? हनुमानगढ़। और इसी हनुमानगढ़ ज़िले में घग्गर नदी के किनारे एक सभ्यता विकसित हुई, कालीबंगा सभ्यता। ये लो जी, ये सभ्यता विकसित हो गई कालीबंगा सभ्यता, क्योंकि काली रंग की चूड़ियाँ यहाँ पर मिली है। बंगा, बंगा पंजाबी शब्द है जिसका यानी कि हम कह दो बंगा यानी बंगड़ी, बंगड़ी मतलब चूड़ी। कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ घग्गर नदी के किनारे। अब आगे बात करते हैं, पहला आ गया इसका कालक्रम। कालक्रम क्या है इसका? तो इसका कालक्रम एक तो पद्धति है कार्बन सी पद्धति, कार्बन सी पद्धति। इसके अनुसार, कार्बन सी पद्धति के अनुसार जो इसका कालक्रम है वो है 2350 ईसा पूर्व। 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। कार्बन सी पद्धति से 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। लेकिन अपन तैयारी किसके कर रहे हैं? राजस्थान पुलिस की। राजस्थान पुलिस के 2010 के पेपर में ये आया था। 2010 के पेपर में, राजस्थान पुलिस के पेपर में ये आया था प्रश्न। और उस वक्त जो राजस्थान पुलिस ने इसको माना था वो माना था 2400 ईसा पूर्व से 2250 ईसा पूर्व तक। यानी कि अपने को याद रखनी है ये कार्बन सी पद्धति के अनुसार 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। किसी भी प्राचीन वस्तुओं का कालक्रम जानने के लिए एक वैज्ञानिक पद्धति है कार्बन सी पद्धति, उसमें उसके कार्बन की जांच की जाती है, उससे तो ये डेट आई है। लेकिन इतिहासकार, कई इतिहासकार इस पर देखो डेटों के अंदर इस टाइम की जो भाषा है वो पढ़ी नहीं गई है, तो स्वाभाविक है कन्फ्यूजन रहेगा।
क्योंकि जिसको अपन पढ़ ही नहीं सके वहाँ तो एक अनुमान लगाने वाली बात हो गई। तो अनुमान के आधार पर जो चीज़ें जो इतिहासकार बताते हैं, कुछ इतिहासकारों ने ये बताया और राजस्थान पुलिस ने इसे मान लिया, कब के पेपर में, 2010 के पेपर में। अब आते हैं इसकी खोजकर्ता, दो नाम आते हैं, एक तो आता है खोजकर्ता, खोजकर्ता और दूसरा आता है उत्खननकर्ता, उत्खननकर्ता। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। खोजकर्ता मतलब जिसने पहले बताया कि यानी कि यहाँ पर कोई ना कोई सभ्यता विकसित हुई है। कालीबंगा के बारे में बताया था ए एन घोष, पूरा नाम है इनका अमलानंद घोष। सर्वप्रथम 1952 में इन्होंने ही बताया था कि यहाँ पर कोई ना कोई सभ्यता है, नामकरण इन्होंने नहीं किया था। उसके बाद उत्खननकर्ता दो है, एक तो है बीवी लाल, इसका पूरा नाम है ब्रजवासी लाल। दूसरे हैं बी के थापर, यानी कि बालकृष्ण थापर। इन दोनों ने मिलकर यहाँ पर खुदाई का कार्य स्टार्ट हुआ 1961, यानी 1961 से 1969 तक उत्खनन कार्य हुआ। अब यहाँ पर रिपीट कर लो वापस, कालीबंगा यानी काले रंग की चूड़ियाँ क्या मिली थी, पहला तो यही आ गया, काले रंग की चूड़ियाँ यहाँ पर सर्वप्रथम मिली थी। कालीबंगा लोकेशन कहाँ है, हनुमानगढ़ ज़िले में है। कोई भी सभ्यता नदी घाटी के किनारे विकसित होगी। आज भी आप अपन देख लो, कोई भी शहर है, कोई भी बड़े बड़े जो शहर है वो किसी ना किसी नदी के किनारे पर है। गांव है या छोटे कस्बे हैं, उनके अंदर तालाब मिल जाएगा आपको या कोई नदी या नाला, कोई ना कोई चीज़ पानी का, जल का स्रोत ज़रूर मिलेगा आपको। तो ये विकसित हुई घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ ज़िले में, राजस्थान में। कालीबंगा इसी के पास में है, पीलीबंगा। इसका प्रथम खोजकर्ता थे अमलानंद घोष 1952, उत्खननकर्ता बीवीलाल ब्रजवासी लाल और बीके थापर बालकृष्ण थापर 1961 से 1969। कालक्रम इसका देखें, कार्बन सी पद्धति के अनुसार 2350 से 1750 ईसा पूर्व और 2010 में राजस्थान पुलिस के पेपर में ये प्रश्न पूछा गया था और पुलिस विभाग ने इसका सही उत्तर माना था 2400 ईसा पूर्व से 2250 ईसा पूर्व। ये इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद क्लास आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, अब आगे बात करते हैं। कालीबंगा सभ्यता किस सभ्यता का भाग है, सिंधु घाटी सभ्यता का भाग है। सिंधु घाटी सभ्यता 13 लाख वर्ग किलोमीटर में मिले इसके स्थान, और ये जो कालीबंगा सभ्यता राजस्थान में है ये सिंधु घाटी सभ्यता का ही भाग है। अब सिंधु घाटी सभ्यता है वो नगरीय सभ्यता थी, तो स्वाभाविक है ये भी नगरीय ही रहेगी। किसका भाग है, सिंधु घाटी सभ्यता का भाग। कालीबंगा जो सभ्यता है राजस्थान के हनुमानगढ़ में, वो भाग है सिंधु घाटी सभ्यता का। अब सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, तो स्वाभाविक है ये भी नगरीय सभ्यता थी। दो सभ्यता है, ग्रामीण और नगरीय, तो सिंधु घाटी नगरीय थी, सिंधु घाटी का पार्ट है, तो ये भी नगरीय सभ्यता ही है। अब बात करते हैं इसकी कुछ विशेषताओं की। ये आगे अपनी कालीबंगा काली पीली कालीबंगा पीलीबंगा दोनों ही हनुमानगढ़ ज़िले में
स्थित है, सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट है। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, तो स्वाभाविक है ये भी नगरीय सभ्यता ही रहेगी। कालीबंगा सभ्यता की अब बात करते हैं विशेषताएं। विशेषताओं के अंदर से क्वेश्चन जहाँ से पुटअप होता है वो मैंने पहले आपको बताया था, जो चीज़ कॉमन है, जो चीज़ सभी जगह मिली है, वहाँ से क्वेश्चन पुटअप नहीं होगा। जो चीज़ कुछ चीज़ें हैं जो स्पेशल मिली है यहाँ से, और वहीं से क्वेश्चन पुटअप होगा। विशेषताओं के अंदर सबसे पहले अपन पढ़ेंगे सड़कें समकोण पर काटती है, ये इसकी पहली विशेषता है। ये सड़कें हैं, ये समकोण पे काटती है। राजस्थान में एक शहर है जयपुर, वहाँ पर भी सड़कें समकोण में ही काट रही है। परकोटे के अंदर का जो भाग है वो देख लेना। सड़कें समकोण पे काटती है, पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में काटती है, कोई मेन बात नहीं है, विशेषता है ये इसकी। सड़कें समकोण पर काटती है, पर काटती है यानी इसका जो नगर जो बसाया हुआ है वो इस तरह से है, सड़कें समकोण पर काटती है। इसको ध्यान रखना, जो ये जो पद्धति है सड़कें बनाने की या नगर बनाने की, इसको बोलते हैं ऑक्सफोर्ड पद्धति। ऑक्सफोर्ड, या इसको बोलते हैं जाल। जाल एक जाल की तरह ही आप दिख रहा है, जाल पद्धति। इसी को बोलते हैं चेम्सफोर्ड, चेम्सफोर्ड पद्धति, और इसी को बोलते हैं ग्रीक पद्धति। यानी सिंधु घाटी सभ्यता की जो सड़कें हैं वो ऑक्सफोर्ड पद्धति, जाल पद्धति, चेम्सफोर्ड पद्धति और ग्रीक पद्धति से निर्मित है। ये हो गया। दूसरा, मकान सभी जगह मिले हैं। मकानों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर ना खुल के अंदर गलियों में खुल रहे हैं, पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का यही हाल है, कोई विशेष बात नहीं। विशेष बात क्या हुई कि यहाँ के मकानों में जो ईंटों का प्रयोग किया गया, कच्ची ईंटों का, कच्ची ईंटों का प्रयोग, पक्की ईंटों का सभी जगह मिला है, यहाँ भी कुछ हद तक पक्की ईंटों का, बाद में पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ था, शुरुआत में जो अपने को मिले वो सारे कच्ची ईंटों के। अब आप गांव में जाओ, गांव में कोई भी कच्ची ईंटा को मकान देखता है पर कहते गरीब आदमी को मकान। यानी कि कच्ची ईंटों से निर्मित होने के लिए कालीबंगा को एक नाम दिया गया, दीनहीन सभ्यता, दीनहीन सभ्यता। विशेष बात आ गई, कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है, पक्की ईंटों का भी हुआ है, ऐसी बात नहीं कि पक्की ईंटों का नहीं हुआ है, कच्ची ईंटों का ज़्यादा हुआ है, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया, साबित तो गरीब आदमी थे, दीनहीन सभ्यता। फिर अगली विशेषता आती है नाली निर्माण, यानी ये हो गई पहली, ये हो गई दूसरी विशेषता, ये हो गई तीसरी, नाली निर्माण। सारी सिंधु घाटी सभ्यता में हुई है नाली निर्माण। यहाँ पर विशेष क्या है, यहाँ पर जो नाली निर्माण है काष्ठ यानी लकड़ी की नाली, काष्ठ यानी लकड़ी की नालियाँ। पक्की ईंटों की भी नालियाँ बनी हुई है लेकिन लकड़ी की नालियाँ एकमात्र इसी स्थान से मिली है, कालीबंगा से। ये इसकी एक विशेष विशेषता हो गई, यानी कि सड़कें समकोण पे काटती है, कॉमन विशेषता है, क्वेश्चन यहाँ से पुटअप नहीं होगा। क्वेश्चन पुटअप होगा यहाँ से, कच्ची ईंटों का प्रयोग किस सभ्यता में किया गया है, कालीबंगा। लकड़ी की लकड़ी के द्वारा निर्मित नाली का प्रयोग किस सभ्यता में हुआ है, कालीबंगा सभ्यता। जुते हुए खेत मिले, कोई बात नहीं, नंबर चार, जुते हुए खेत, जुते हुए खेत सभी से मिले, जुते हुए खेत। यहाँ पर खास बात क्या रही, ये जो खेत जुते थे ये भी समकोण पर जुते थे, मतलब कि अपन जो खेत जोतते हैं वो एकदम ऐसे सीधा जोत दिया और इसी के अंदर फसल लगा दी। इन्होंने क्या किया, यों तो जोता ही है
इसके साथ इधर भी यों भी जोत लिया इन्होंने। अब इससे क्या हुआ, इससे दो फसल प्राप्त करने के प्रमाण यहाँ पर मिले हैं। यानी कि एक साइड में सीधी साइड में एक फसल बो दी, दूसरी साइड में दूसरी फसल बो दी, और वो दोनों फसलें कौन सी थी, जुते हुए खेत समकोण पर मिले हैं, यानी कि दो फसल साथ बोने के प्रमाण, दो फसल साथ बोने के प्रमाण। और वो दो फसलें कौन सी थी, गेहूं और जौ, गेहूं प्लस जौ, ये दो फसलें साथ बोने के प्रमाण यहाँ पर मिले हैं। यहाँ पर कपास के भी प्रमाण मिले हैं, कपास के प्रमाण। कपास को कहते हैं यहाँ पर सीडन कहा जाता था, यानी इसका तत्कालीन नाम सीडन, क्योंकि यह मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन है। वहाँ भी बेलनाकार बर्तन मिले थे, यहाँ भी बेलनाकार बर्तन मिले हैं। इससे अंदाज़ा लगाया गया कि मेसोपोटामिया और कालीबंगा दोनों समान है। वहाँ से कपास के लिए एक शब्द उठा लिया सीडन, तो बोले वहाँ भी कह देते तो यहाँ भी इन्होंने कह दिया कि उस वक्त हो सकता है कि कपास को सीडन कहा गया। अगली विशेषता की बात करते हैं। विशेषता अगली ये है, मकान मिले यहाँ पर कच्ची ईंटों के से निर्मित मिले हैं, लेकिन यहाँ पर बात क्या हुई, जो मकान मिले हैं ये जो दीवार है इसमें मिली है दरार, यानी मकानों में दरार, मकानों में दरारें मिली। तो बोले साहब ये क्या हुआ, मकानों में दरारें कैसे आई, तो के बोला भूकंप के प्रमाण यहाँ पर ये देखे जाते हैं। भूकंप, भूकंप के प्रमाण, क्योंकि कहीं से भी भूकंप के प्रमाण नहीं मिले हैं, कालीबंगा से भूकंप के प्रमाण मिले हैं। इतना बड़ा मकान आदमी ने बनाया है, उसके अंदर दरार कब आएगी, जब भूकंप आएगा। और एक में नहीं कई मकानों में ये चीज़ मिली है, यानी इसकी विशेषताओं में देखे सड़के समकोण पे काटती है, कोई बड़ी बात नहीं है। वे मेन विशेषता है कच्ची ईंटों का ज़्यादा प्रयोग हुआ है, इसलिए दीनहीन बस्ती कहा गया है। नाली निर्माण यहाँ पर लकड़ी का मिला है, पक्की ईंटों का भी है लेकिन लकड़ी का प्रयोग ज़्यादा यहाँ पर हुआ है। जुते हुए खेत मिले हैं, जुते हुए खेत में दो फसलें साथ लेने का प्रमाण है। कपास के प्रमाण यहाँ पर मिले हैं, तत्कालीन नाम उसका सीडन है, जो मेसोपोटामिया से यहाँ पर जो शब्द मिला है। मकानों के अंदर दरारें मिलने से मतलब भूकंप के प्रमाण है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अब चलते हैं इसकी अगली विशेषताओं की तरफ। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, फिर भी अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। कोई भी चीज़ समझ में ना आ रही हो या कोई चीज़ इस वीडियो में ना बताई गई हो, क्योंकि ये तो क्लास है, क्लास के अंदर सेलेक्टिव मैटर पढ़ाया जाता है, बाकी चीज़ें आपको किताबों में से ही पढ़नी पड़ती है। फिर भी हर किताब के अंदर प्रत्येक चीज़ लिखी हुई नहीं होती है, तो अगर आपको कहीं कोई भी समस्या आए तो और बता देना। अगली इसकी हम बात करें सातवीं विशेषता की। यहाँ पर एक खोपड़ी मिली है, यानी एक खोपड़ी मिली है, उस खोपड़ी में मिले हैं छह छेद मिले हैं एक खोपड़ी में, छह छेद वाली खोपड़ी, छह छेद वाली खोपड़ी। बोले ये क्या हुआ, बोले साहब इसका ऑपरेशन किया गया है। विश्व में एकमात्र जगह है जहां पर शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिले हैं, शल्य चिकित्सा के प्रमाण, शल्य चिकित्सा मतलब ऑपरेशन, शल्य चिकित्सा के प्रमाण। विश्व में एकमात्र स्थान है जहां पर शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिले हैं। कैसे मिले हैं, छह छेद वाली खोपड़ी यहाँ पर मिली है। अगला आता है स्वास्तिक का चिन्ह, यहाँ पर मिला है स्वास्तिक का चिन्ह, यहाँ पर मिला है अग्निवेदिकाएँ या हवन कुंड,
हवन कुंड यहाँ पर मिले हैं, जिसे कहते हैं अग्नि वेदिकाएँ। अग्नि वेदिकाएँ कितने मिले हैं? 7। इनके अंदर हड्डियाँ भी मिली है तो बलि प्रथा के प्रमाण है। स्वास्तिक चिन्ह हो सकता है, वास्तु दोष ये दूर करने के लिए प्रयोग में लिया गया हो। 6 छेद वाली खोपड़ी शल्य चिकित्सा के यहाँ पर प्रमाण है। एक इतिहासकार हुए हैं दशरथ शर्मा। कौन हुए हैं? दशरथ शर्मा इतिहासकार हुए। इन्होंने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी बताया है। सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी, क्योंकि यहाँ पर दुर्ग के प्रमाण भी मिले हैं। 2 टीले मिले हैं, एक पे दुर्ग के प्रमाण भी यानी किले के प्रमाण भी मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी किसने बताया? दशरथ शर्मा ने। कौन दशरथ शर्मा? इतिहासकार। इतिहासकार दशरथ शर्मा ने कालीबंगा के लिए कहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी है। पहली हड़प्पा है, दूसरी मोहनजोदड़ो है। 6 छेद वाली खोपड़ी, स्वास्तिक चिन्ह, कुत्ते के प्रमाण भी यहाँ पर मिले हैं, यानी कुकरू महाराज, कुत्ते के प्रमाण यहाँ पर मिले हैं। ऊँट से भी ये परिचित थे, गाय भैंस इनसे भी ये परिचित थे। 6 छेद वाली खोपड़ी, एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसकी एक मेन जो विशेषता है वो है मुख्य जो इसकी विशेषता है स्वतंत्र भारत में पहला उत्खनन क्षेत्र यही है। यानी भारत आज़ाद होने के बाद जिस प्राचीन सभ्यता का, जिस जगह पर किसी प्राचीन सभ्यता की खुदाई हुई, उत्खनन कार्य हुआ, पहली बार यही हुआ था। यानी स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया प्रथम पुरातात्विक स्थल स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया हुआ प्रथम पुरातात्विक स्थल। दूसरा है रोपड़ पंजाब। पहला कौन सा है? कालीबंगा सभ्यता। स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया प्रथम पुरातात्विक स्थल कालीबंगा। सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ है? हनुमानगढ़ में। प्रथम बार A.N. घोष ने इसके खोज करता है 1952 में, और 1961 से 1969 तक B.B. लाल और B.K. थापर द्वारा इसका उत्खनन कार्य किया गया। ये थी आज की पहली क्लास, इतिहास का पार्ट फर्स्ट है। इसके अलावा और भी पीलीबंगा है, गणेश्वर सभ्यता है, बाणगंगा सभ्यता है, बेराड सभ्यता है, ये सभ्यताएँ और चलेगी। धन्यवाद।